हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लेसन्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन, जो कि एफएम का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें एक वेसल है और वेसल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सरफेस टेंशन समझने से पहले हम फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी समझ लेंगे, जो कि है कोहेशन और अधेशन। तो कोहेशन क्या है? तो जैसे कि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फ्रॉम दी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो कोहेशन क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी लाइक मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है कोहेशन। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है अधेशन। तो अधेशन क्या है? जो ये अंदर मॉलिक्यूल्स है उनका सॉलिड सरफेस के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उसे हम बोलेंगे अधेशन फोर्स। तो इसका डेफिनेशन रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है उसे हम नेम देते हैं मॉलिक्यूल ए, फिर यहाँ पर जो है वो बी और ये है सी। तो आप फिगर में देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल ए है उनको सभी डायरेक्शन में से इक्वली अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आप देख सकते हो कि ये सभी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मॉलिक्यूल बी में देख सकते हो कि यहाँ पर अपर साइड पर कम अट्रैक्शन फोर्स है और डाउनवर्ड साइड में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और सिमिलरली जो मॉलिक्यूल सी है उसका भी सेम ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उससे ये जो लेयर है बिटवीन एयर एंड द फ्लूइड वो लेयर एक टेंशन में रहेगा, मीन्स उसमें कंटिन्यूसली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो जो लेयर है वो टेंशन में रहेगा और ये जो फिनोमिना है उसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। चलिए तो अब सरफेस टेंशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स। ये एक टेंसाइल फोर्स है एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द गैस और सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। मीन्स ये जो फ्लूइड है और इसके ऊपर जो एयर है, उन दोनों फ्लूइड और एयर के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो टेंसाइल फोर्स रहेगा उसकी बात की गई है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर लिखा है और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। मीन्स अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स है, दैट इज दो ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते हैं वो लिक्विड है, तो उन दोनों लिक्विड के बीच में जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन सच दैट कॉन्टेक्ट सरफेस बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। मीन्स ये जो टेंसाइल फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा? तो जो सरफेस है ये वो ऐसा बिहेव करेगा कि वो एक टेंशन के अंदर है। तो ये जो फिनोमिना है उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। चलिए तो अब देख लेते हैं सरफेस टेंशन विथ एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है लिक्विड ड्रॉपलेट का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक लिक्विड ड्रॉपलेट है विथ डायमीटर डी। तो सबसे पहले हमने लिक्विड ड्रॉपलेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज लेफ्ट पार्ट। चलिए लेफ्ट पार्ट ले लेते हैं पहले। तो ये जो लेफ्ट पार्ट है उस पर दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, एक है टेंसाइल फोर्स, जो लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन ये साइड पे होगा और वो सरकमफेरेंस पर ही लगेगा। तो ये जो फोर्स है दैट इज टेंशन है वो सरफेस टेंशन है। और दूसरा जो है वो रहेगा प्रेशर फोर्स, और प्रेशर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो ये जो एरिया है पाई बाई फोर डी स्क्वायर उस पर लगेगा। तो सेकेंड है प्रेशर फोर्स। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा? टेंसाइल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला रहेगा सरफेस टेंशन इनटू वो सरकमफेरेंस पर लगता है, तो इनटू सरकमफेरेंस, तो इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू सरकमफेरेंस कितना है पाई इनटू डी। और सिमिलरली प्रेशर फोर्स जो है वो रहेगा प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज प्रेशर पी इनटू एरिया कितना है पाई बाई फोर डी स्क्वायर।
अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इज इक्वल्स टू दिस वन, दैट इज पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम सिग्मा फाइंड कर लेंगे, तो वो क्या होगा, पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू डी, तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर रहेगा पी इंटू डी बाई फोर। तो ये है सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड ड्रॉपलेट। अब सेकंड एग्जांपल जो है वो है होलो बबल का, तो पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि लिक्विड ड्रॉपलेट और होलो बबल में क्या डिफरेंस है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट में आउटर सरफेस जो है वही एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है, और होलो बबल में क्या होता है, जो इनर सरफेस है वो भी एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है और आउटर सरफेस जो है वो भी एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है। तो इसमें जो टेंसाइल फोर्स रहेगा वो इनर सरफेस से भी लगेगा और आउटर सरफेस से भी लगेगा। तो होलो बबल के केस में जो टेंसाइल फोर्स रहेगा वो लिक्विड ड्रॉपलेट से दुगना होगा, दैट इज ट्वाइस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम, ये है सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, अब ये दोनों सरफेस है तो इंटू टू लिख देंगे, और इज इक्वल्स टू ये जो प्रेशर फोर्स है वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर। अब हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो इज इक्वल्स टू रहेगा पाई पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई इंटू डी, और ये डी कैंसिल हो जाएगा और पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन रहेगा पी डी बाई एट। तो अब थर्ड एग्जांपल है लिक्विड जेट का, तो ये एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लिया है जिसका लेंथ है एल और डायमीटर है डी, और ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। अब इसका जो आउटर सरफेस है वही एयर के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो इस पर जो सरफेस टेंशन है वो ओनली आउटर सरफेस पे लगेगा, दैट इज दिस सरफेस, और ये है सिग्मा, दैट इज सरफेस टेंशन। और जो प्रेशर फोर्स है वो ये अंदर का जो एरिया है उस पे लगेगा, तो ये है प्रेशर पी। तो टेंसाइल फोर्स कितना रहेगा, सिग्मा इंटू ओनली दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, सो एल प्लस एल दैट इज टू एल, और वो इक्वल कितना है प्रेशर फोर्स से, तो प्रेशर फोर्स दैट इज प्रेशर इंटू एरिया। अब एरिया कितना होगा, तो एल इंटू डी, एल इंटू डी। तो अब यहाँ पर सिग्मा का क्या फॉर्मूला रहेगा, पी इंटू एल इंटू डी डिवाइड बाई ट्वाइस एल, सो एल एल कैंसल एंड वी गेट पी इंटू डी बाई टू। इस वीडियो को ज़रूर से कमेंट में रिव्यू कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड या किसी और टॉपिक रिलेटेड डाउट्स है तो भी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको इंजीनियरिंग टॉपिक्स रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे।